नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मटर की बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आए हैं। ये मटर बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है और नया है, जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। ये मटर की रेसिपी इतनी स्वादिष्ट बनती है कि जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा और आपकी तारीफ करे बिना नहीं रह पाएगा। तो चलिए, देर ना करते हुए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने बिल्कुल फ्रेश मटर लिए हैं। इनको मैंने छील लिया था और ये 1 कप के करीब फ्रेश मटर है। इसकी जगह आप चाहे तो फ्रोजन मटर का भी यूज कर सकते हैं। पहले तो अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद मैंने लिया है कुकर, जिसमें मैं मटर को डाल रही हूँ। 1 कप मटर लिए हैं तो मैं 1.5 कप के करीब पानी डाल रही हूँ इसमें। और गैस को हमने ऑन कर देना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून नमक। नमक ध्यान से डालें क्योंकि नमक का यूज हम बाद में भी करेंगे। 1/4 टीस्पून ही मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर। इसके साथ ही इसमें अच्छी सी खुशबू और स्वाद देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 तेजपात, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची। उसका मुंह खोल लें। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे कुकर का और हाई मीडियम फ्लेम पर 3 विसल लगाएंगे। कुकर को ठंडा करके खोलेंगे। अगर आप फ्रोजन मटर यूज कर रहे हैं तो वो 1 ही विसल में हो जाएंगे। मैंने ले लिया है आधी कटोरी से भी कम दही, जो कि 3 बड़े चम्मच के करीब है, और ये कम खट्टा दही है, इसको मैंने फेंट लिया है। अब डालेंगे इसमें कुछ मसाले। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। मैंने कम तीखी वाली लाल मिर्ची का यूज किया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। नमक आप स्वाद अनुसार डालें और ध्यान से डालें। थोड़ा सा नमक हमने मटर में डाल रखा है। अभी मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। पहले तो इन सब चीजों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है दही में। अब लेंगे कढ़ाई, गैस ऑन कर लेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, उसको गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा, मैंने ली थी 6 कलियां लहसुन की, उसको ना छोटा छोटा काट लिया था, वो डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 टीस्पून जीरा। इन दोनों चीजों को पहले थोड़ा सा चला देंगे, जो जीरा अच्छे से फूल जाए। मैंने लिया था थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, उसको भी छोटा छोटा काटा है। और उसके साथ ही मैंने ली थी 2 हरी मिर्ची, उसको भी ना मैंने ज्यादा बड़ा नहीं काटा है, छोटा ही काटा है। हरी मिर्ची कम ज्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। थोड़ा सा चला देंगे। मैंने ली थी 2 मीडियम साइज की प्याज, जिसको चॉपर में चॉप कर लिया था, वो डाल रही हूँ। आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं या कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब प्याज को हमने अच्छे से भून लेना है गोल्डन होने तक, ऐसे ही चलाते हुए ही। देखिए, प्याज हमारी हो गई है। मैंने लिया था 1 बड़े साइज का टमाटर, उसको भी ना छोटा छोटा काट लिया है, वो डाल रही हूँ। अगर आप दही नहीं डाल रहे तो आप टमाटर की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। इसे भी हमने थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। ये देखिए, कुकर हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं मटर को। मैं आपको दिखाती हूँ, जो मटर है ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे एक मैशर, चाहे आप कड़छी भी ले सकते हैं, और हल्का हल्का इसको हमने मैश करना है। बहुत ज्यादा नहीं करना, हल्का हल्का सा मैश करना है, जिससे बहुत ही अच्छा मटर का टेस्ट और फ्लेवर आएगा इसमें। देखिए, ये हो गया है, बस इतना ही करना है हमने। देखिए, टमाटर भी आप देख पा रहे होंगे थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हमने वो दही भी डाल देना है जिसमें हमने मसाले मिक्स करके रखे हैं। देखिए, जो दही को भी ना मिक्स करते हुए, गैस को मीडियम करते हुए, इन सब चीजों को, मसालों को पका लेना है हमने दही के साथ ही। देखिए, आप देख पा रहे होंगे जो सब चीजें बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। अब मैंने ली थी 2 शिमला मिर्ची, उनको अच्छे से वॉश कर लिया था, लंबे ढंग से काटा है। इसकी डंडी और बीज को मैंने हटा दिया था। अब इसको भी ना मिक्स करते हुए हमने 2 मिनट के लिए भुनना है। देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं, इसको हमने भून लिया है। अब इसमें हमने मटर को भी डाल देना है और मटर के साथ उसके पानी को भी डाल देना है।
देखिए बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला, इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। देखिए अब हम गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे लेकिन इसे खोलेंगे 2 मिनट बाद। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आप एक बार इस मटर की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके जो बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।